मुंबई 1,30,00,000 से भी ज्यादा आबादी वाले इस शहर को एक बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित यातायात के साधन की जरूरत रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के परिणाम स्वरूप मुंबई वासियों को एक ऐसे यातायात प्रणाली को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा जो हरित है, स्वच्छ है और विश्व स्तरीय होने के साथ साथ पूर्णतः मेक इन इंडिया है। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़भाड़ इलाकों में इन दो नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। न ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से मुंबई मेट्रो की लाइन 7 और 2A का अनावरण करेंगे। ये मेट्रो मार्ग के मुंबई के उत्तर को दक्षिणी भाग से और मुंबई के पूर्व और पश्चिमी भाग से जोड़ेंगी। आज इस मेट्रो विस्तार का एक हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेट्रो के लिए कठोर परिश्रम करने वाले संपूर्ण टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चालक रहित सुविधा से लैस होने के साथ साथ इस CBTC मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनेकों सुविधाएं हैं। शून्य कार्बन एमिशन, वेल डिजाइन्ड मेट्रो स्टेशंस, स्वचालित फेयर कलेक्शन गेट्स, यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, दिव्यांग नागरिकों की सुविधा हेतु डिब्बों में आरक्षित व्हीलचेयर के लिए जगह, साथ ही साइकिल के साथ यात्रा करने के लिए सुनिश्चित साइकिल स्टैंड। हर मेट्रो स्टेशन का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया गया है और अधिकतर स्टेशन प्लैटिनम रैंक से प्रमाणित भी हैं। MMRDA बेहतर यात्रा के लिए मुंबई वन ऐप और NCMC कार्ड की सुविधा भी प्रदान करने जा रहा है। मुंबई जो सपनों का शहर है, मुंबई मेट्रो उन सपनों को गतिशील बनाता है।